आज की तादाद कुल 19 हुफाज कराम है। हाज दारुल उलूम कादरी ज़िया मुस्तफ़ा से हाफिज बनने वाले 19 तलबा आपके सामने हाज दस्तारबंदी का ये मुकद्दस और पुरकैफ मंजर आप देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हसरत आलम तेगी इबन शब्बीर सिद्दीकी गया बिहार। तीसरे नंबर पे एहसान तेगी इबन महफूज मुजफ्फरपुर। चौथे नंबर पे थे गली इब्ने मोहम्मद असलम अली वैशाली बिहार। पांचवें नंबर पे साजिद रजा इब्ने मरहूम मोहम्मद नियाज कादरी वैशाली बिहार। छठे नंबर पे नजमुद्दीन इब्ने मोहम्मद एहसान अंसारी सीतामढ़ी बिहार। सातवें नंबर पे मोहम्मद शाहिद रजा इब्ने मोहम्मद शेख सिकंदर धामनगर शरीफ। आठवें नंबर पे मोहम्मद मुजाहिद नवाज इब्ने मोहम्मद साजिद नवाज हावड़ा बंगाल। ये सारे वो तलबा हैं जिन्होंने आपके इदारा दारुल उलूम क़ादरिया ज़िया मुस्तफ़ा में कुरान मजीद याद किया, तालीम हासिल की, मेहनत की और वो पूरे कलामुल्लाह को अपने सीने में महफूज कर लिया। आप इनकी उम्रें देखें और उसके बावजूद और इनका कारनामा देखें, कितना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है आपके मदरसे में रहकर, और आपने जो तआवुन किया है उसका समरा बनकर आपके सामने ये मौजूद हैं। आठवें नंबर पर मुजाहिद नवाज़ इब्ने साजिद नवाज़ हावड़ा। नवें नंबर पर मोहम्मद कौनैन रजा इब्ने मौलाना कैसर रजवी सीतामढ़ी बिहार। दसवें नंबर पे मोहम्मद जावेद आलम तेगी इब्ने मोहम्मद नूर आलम मुजफ्फरपुर बिहार। ग्यारहवें नंबर पे मोहम्मद आयान रजा तेगी इब्ने मोहम्मद असलम 70D तिलजरा। ये आयान वो बच्चा है जिन्होंने सिर्फ 14 महीने में पूरा कलामुल्लाह अपने सीने में महफूज कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से आपने देखा कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, बिहार ही नहीं, उड़ीसा और नेपाल ही नहीं, बल्कि तिलजला के बच्चे इस इदारे में रहकर हिफ्ज़े कुरान करीम का ये सुनहरा भाव खोल रहे हैं। आपको हैरत होगी कि लोग समझते हैं कि करीब के मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन देखिए ये 70D का तालिबे इल्म, दिलजला का तालिबे इल्म है आयान रजा तेगी। इन्होंने 14 महीने में पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। 12वें नंबर पे मोहम्मद शमीम रजा इब्ने अब्दुल सलाम हावड़ा बंगाल। 13वें नंबर पे मोहम्मद दानिश रजा इब्न मोहम्मद अनवर हुसैन औरंगाबाद बिहार। 14 नंबर पे मोहम्मद नदीम अंसारी इब्ने मोहम्मद निजामुद्दीन दारापाड़ा। 15 नंबर पे मोहम्मद तौकीर रजा तेगी इब्ने मोहम्मद नसीम अंसारी वैशाली बिहार। 16 नंबर पे मोहम्मद कौनैन रजा तेगी इब्ने मोहम्मद शमी मोहम्मद तेगी हावड़ा। 17 पे मोहम्मद सलमान हफीज तेगी इब्न मोहम्मद जहांगीर तेगी वैशाली बिहार। 18 नंबर पे मोहम्मद तुफैल इब्न मोहम्मद सुल्तान दरभंगा बिहार। 19 नंबर पे मोहम्मद सरफराज इब्न मोहम्मद मजहर अली मधुबनी बिहार। ये 19 तलबा हैं जिन्होंने दारुल उलूम क़ादरिया ज़िया मुस्तफ़ा में कुरान मजीद की तालीम हासिल की, शब शब रोज़ मेहनत किया, रातों दिन पढ़े और पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। कितनी मेहनतें इन्होंने की होगी, कितनी मेहनत कराई होगी इनके असातिज़ा ने, हुफ़ाज़े कराम ने, क़ारी कुरान ने, और असातिज़ा दारुल उलूम क़ादरिया ज़िया मुस्तफ़ा के वो खुशनसीब असातिज़ा जिन्होंने इन तलबा को पढ़ाया और पूरा कुरान मजीद इनके सीने में महफूज करने का सबब बने। वो असातिज़ा कराम भी इंतहाई खुशनसीब हैं और उखरवी अजर व सवाब पाने का मुस्तहिक है। ये तलबा आपके सामने हैं, आप इनकी उम्रें देखिए और आप दारुल उलूम क़ादरिया ज़िया मुस्तफ़ा को जो शब रोज इनकी तरक्की में आपका हिस्सा रहता है, आप तआवुन करते हैं, आपकी शिरकत रहती है, उसका ये नतीजा दारुल उलूम आज दे रहा है। कभी ऐसा भी होता था कि इस दारुल उलूम से सिर्फ एक दो तालिबे इल्म हाफिज बनकर फारिग होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की इतनी हुई है और तलबा की कसरत इतनी हुई है, इस दारुल उलूम की तरफ इतने तलबा आ रहे हैं कि सारे तलबा 19 तलबा हिफ्ज़े कुरान मजीद का सेहरा अपने सर पे सजा कर आज यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको देखें और अपने दिल में ये इरादा करें, तहिया करें कि अपने बच्चों को दुनियावी उलूम के साथ, स्कूलों की तालीम के साथ हिफ्ज़े कुरान मजीद की तालीम जरूर दिलवाएं, ताकि ये भी रोशन रहे, इनके वालिदैन भी रोशन रहे, उनकी बरकतों से पूरा मोहल्ला भी रोशन रहे।
ये 19 तलबा हुजूर नसीर मिल्लत के मुबारक हाथों से अपने सरों पे दस्तार ले रहे हैं। ये इंतहाई खुश नसीब हैं, बरसों याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि हमारे सरों पे हुजूर नसीर मिल्लत ने दस्तार लपेटी थी। बड़े सआदतमंद और खुशनसीब तलबा इस साल के फारिगीन जिनको इतना बड़ा मौका और ये सुनहरा मौका मिला है। आइंदा कल 11 मार्च को जामिया अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद में वहाँ फारिग होने वाले उलमा और फजला और मुफ्तियान कराम की दस्तार बंदी होगी। वहाँ भी आप हजरात तशरीफ लाएं और वहाँ का भी पुरगा मंजर और वहाँ की मेहनतें और वहाँ की खिदमत और वहाँ के कारनामे भी अपनी आंखों से मुलाहजा करें। दस्तार बंदी के फौरन बाद शायरे इस्लाम हजरत ज़ीशान मतरावी साहब क़िबला नाते रसूल पाक पेश करेंगे। दस्तार पाने वाले तलबा सामने आकर बैठ जाएं, स्टेज के सामने आकर बैठ जाएं और आप लोग मनान सुकून का माहौल बनाए रखें, अफरा तफरी ना करें। और इन तमाम हुफाज़े कराम को तोहफे पेश किए जा रहे हैं और तोहफा देने वाले इन तमाम 19 हुफाज़े कराम को इल्म दीन का तोहफा पेश कर रहे हैं तनवीर अली इब्न मोहम्मद कौसर अली 70D तिलजला के रहने वाले। इन्होंने तमाम हुफाज़े कराम को तोहफा पेश किया है और माशाल्लाह वो भी अजर व सवाब के मुस्तहिक हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुफाज़े कुरान को इन्होंने तोहफा पेश किया है। हुफाज़े कराम दस्तार लेने वाले स्टेज के सामने आगे हिस्से में तशरीफ रखें और इत्मीनान सुकून के साथ अब शायर मोहतरम ज़ीशान साहब का से कलाम समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बच्चे हैं इधर, माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर है, हसीन मंजर है।